अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखे होंगे। सो आज मैं आपके लिए एक वॉक अराउंड रिव्यू लेके आया हूं दीपाल LO7 का, जो रिसेंटली सब चंगान ने लॉन्च किया है और ये टोटली एक इलेक्ट्रिक वेरिएंट है। इसमें चंगान ने अपने दो मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करवाया है, दीपाल LO7 और दीपाल SO7। जो SO7 है वो जो इसका एक फ्लैगशिप वेरियंट है जो SUV कैटेगरी में आ जाता है, ये जो प्रॉपर वेरियंट है ये सेडान कैटेगरी में आ जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस कार। तो ओवरऑल गाड़ी की फ्रंट लुक्स की बात करें तो गाड़ी आपको ओवरऑल फ्रंट से नजर आ रही होगी, एक बड़ी एक इसकी फ्यूचरिस्टिक सी और बड़ी एक मॉडर्न सी लुक है। इसके अगर हम फ्रंट लाइट की बात करें तो इसमें स्मार्ट LEDs का यूज किया गया है। फ्रंट में आपको जो है इसमें नीचे जो है इसकी हेडलाइट्स मिल रही होगी। अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होती है कि जो इसकी फ्रंट पे होगी ये इसकी हेडलाइट्स है और ये इसकी फॉग लाइट्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रंट पे इसकी आपको जो है वो LED हेडलाइट्स मिल रही होंगी, जिसमें ऑटो लेवलिंग का भी फंक्शन है कि गाड़ी की ऑटो स्मार्टली रोड को डिटेक्ट करके अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। प्लस इसमें जो स्मार्ट DRL डिटेक्शन लेंस है जो ओवरऑल स्मार्टली अपने आप को ऑपरेट करके रोड के हिसाब से ये ऑन या ऑफ होते हैं। सो गाड़ी के फ्रंट लुक की बात करें तो गाड़ी आपको फ्रंट पे इसमें कोई ऑब्वियसली आपको कोई डिफ्यूजर्स या ग्रिल्स वगैरह नहीं नजर आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी में बैटरीज हैं, गाड़ी में कोई इंजन नहीं है जिस वजह से इसको एयर इनटेक की जरूरत नहीं है। तो फ्रंट जो इसका पूरा हुड है वो टोटली कवर है। सेंटर में आपको दीपाल की लेबलिंग मिल जाएगी। बैकलाइट्स की बात करें तो एक बड़ी ज्यादा खूबसूरत LEDs लाइट गाड़ी में यूज की हुई है। बैक पे LO7 के दीपाल की बैजिंग आपको मिल जाएगी और थ्रू आउट ये गाड़ी के बैक फेंडर से गाड़ी का ट्रोली हुड में आपको मिल जाएगी। सेंटर में आपको दीपाल की जो लेबलिंग है वो भी आपको मिल जाएगी, ये आप देख सकते हैं दीपाल का लोगो। और ये पूरी थ्रू आउट ये टेट्रा LEDs चल रही हैं गाड़ी के बैक फ्रंट से LO7। और गाड़ी का जो बैक डिफ्यूज़र टाइप बम्पर है उसके आप बैक से लुक ये देख सकते हैं, गाड़ी का जो बैक डिफ्यूज़र टाइप बम्पर है। ओवरऑल गाड़ी के रूम की बात करें तो बहुत स्पेशियस रूम है गाड़ी का, और गाड़ी के लेग रूम की भी बात करें तो कंस्ट्रेबली बहुत अच्छा लेग रूम मुझे बैक पे मिला है। मेरी जो हाइट है वो 5'10" है और उस हिसाब से बहुत अच्छा हेडरूम है गाड़ी का। साथ पे आपको ये रीडिंग लाइट्स की भी ऑप्शन मिल जाएगी और ये ओवरऑल एक व्यू आप देख सकते हैं जो इंटीरियर्स का। बैक पे भी आपको क्लाइमेट कंट्रोल की जो ऑप्शन है वो मिली हुई है, जिसे आप अपनी मर्जी का क्लाइमेट जो है वो सेट कर सकते हैं। गाड़ी में पूरी टोटली आपको मून रूफ मिली हुई है, ये ओपन नहीं होती है और इस पर कोई कवरिंग भी नहीं है, लेकिन इसकी जो इंसुलेशन है हीट इंसुलेशन वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। गाड़ी के सीट्स का फैब्रिक थोड़ा सा अगर देखें तो बहुत अच्छा प्लेन फैब्रिक है और बहुत अच्छे मटेरियल का, प्रीमियम मटेरियल का यूज़ किया गया है। साथ गाड़ी में स्पीकर्स में सोनी के स्पीकर्स का यूज़ किया गया, जिसकी जो साउंड क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे है। गाड़ी के इंटीरियर्स की बात करें तो ये गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर की लुक है जो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। गाड़ी के स्टेयरिंग व्हील में फुल ऑन लेदर की फिनिशिंग आपको मिली हुई है। गाड़ी में सारे बेसिक्स आपको मेनली जो आपने इस गाड़ी को ऑपरेट करना है वो स्क्रीन से थ्रू आउट करना है। इसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जिसमें आप लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, गाड़ी की चार्जिंग इस वक्त कितनी है उसको आप देख सकते हैं, साथ गाड़ी के ड्राइविंग मोड्स हैं। गाड़ी में टोटल 4 ड्राइविंग मोड्स हैं। इसमें आपको जो है इको, कम्फर्ट, स्पोर्ट और कस्टमाइज मोड आप कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी मर्जी से चला सकते हैं। साथ गाड़ी को आप ऑटो पायलट मोड के ऊपर करके आप गाड़ी का ड्राइविंग असिस्टेंस, मतलब जो है गाड़ी ऑटोमेटिकली अपने आप खुद मूव करेगी। तो काफ़ी ऐसे बेशुमार फीचर्स हैं, एडास के भी सारे फीचर्स आपको इसमें जो है वो मिल जाएंगे। साथ गाड़ी में म्यूजिक और तकरीबन ये ऑलमोस्ट आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके सामने एक आईपैड या प्रॉपर एक लैपटॉप स्क्रीन होती है वो आपके सामने ओपन हुई हुई है। साथ गाड़ी में आपको वायरलेस चार्जिंग की भी ऑप्शन मिल जाएगी, 2 कप होल्डर्स जो हैं वो भी आपको मिले हुए। साथ बहुत ह्यूज साइज में आपको एक स्टोरेज कंपार्टमेंट भी मिला हुआ है, जिसमें आप काफ़ी अपनी चीज़ें कैरी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे SOS, आपको इसमें रीडिंग लाइट्स की ऑप्शन मिली हुई है, पार्किंग लाइट्स की ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिली हुई है। यहाँ पे चलें तो आपको प्रॉपर एक वैनिटी मिरर की ऑप्शन मिली हुई है गाड़ी में। साइड पर चलें तो गाड़ी की जो चारों विंडोज़ हैं वो ऑटोमेटिक है। साथ बहुत अच्छी सी इसकी इंटीरियर कवरिंग है। सामने आपको हेड्स ऑफ डिस्प्ले भी है, जो आपको आई होप सो आपको नज़र आ रहा होगा। गाड़ी में प्रॉपर ये हेड्स ऑफ डिस्प्ले की ऑप्शन भी मिली हुई है, जो आपको ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। सो पर्सनली दीपाल LO7 मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। लेट्स टॉक अबाउट दीपाल SO7। जी सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीपाल ने, मैं समझता हूँ कि ओवरऑल चंगाने बहुत बोल्ड मूव लिया कि आजकल जो है एक इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आने जा रहा है और जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक कार्स का ही है। तो उसमें काफी कंपनीज है जिन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाई है। सो मुझे पर्सनली जब जिस दिन चंगान ने दीपाल को इंट्रोड्यूस करवाया था, सो आई वॉज वेरी सरप्राइज एंड आई वॉज वेरी हैप्पी अलॉन्ग साइड कि एक बहुत अच्छी और एक फ्लैगशिप टाइप की फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट जो है चंगान ने जो इंट्रोड्यूस करवाई है। तो सबसे पहले मैं SO7 का पूछना चाहूंगा, जो आपकी SUV वेरियंट है, कि उसकी
जो इनवॉइस प्राइस है वो कितनी है और बुकिंग पे वो कितने की जो है वो मिल सकती है, कौन कौन से कलर जो है उसमें अवेलेबल। इसमें ये है कि आप बुकिंग में जाते हैं तो इसकी बुकिंग 30 लाख से बुकिंग की जा रही है, ठीक है, और इसके जो प्राइस है इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस जो है वो 1,50,00,000 है। 30 लाख से आपकी बुकिंग होगी, टेंटेटिव डिलीवरी मंथ दिसंबर और जनवरी के दौरान आएगा, ठीक है। इसमें जो कलर अवेलेबल है हमारे पास 6 कलर का ऑप्शन है, यानी 6 कलर है, उसमें हमारा कॉस्मिक व्हाइट कलर आ जाता है, नेबोला ग्रीन कलर आ जाता है, लूनर ग्रे है, फिर उसका एक्लिप्स ब्लैक कलर है, फिर सनसेट ऑरेंज कलर है और कॉस्मिक येलो कलर है, कॉस्मिक येलो, ठीक है ना। ये हमारे टोटल 6 कलर हैं, इसके अंदर जो अवेलेबिलिटी है इसमें बुकिंग आप कोई भी करवा सकते हैं, कोई भी कलर की आप बुकिंग करवा सकते हैं। और फिर उसमें ये है कि आपने रिमेनिंग अमाउंट जो है जो आपका टेंटेटिव डिलीवरी मंथ आएगा उससे तकरीबन 25 डेज बिफोर आपको रिमेनिंग अमाउंट बाकी पे करनी होगी। सो ओवरऑल अगर जो ऑफर हमें ओशान के ऊपर कंज्यूमर्स को मिल रही है, अगर वही सेम ऑफर जो है वो दीपावली ऊपर भी है, अगर हम फुल पेमेंट के ऊपर बुक करवाते हैं तो एक तो प्राइस लॉक होगा, दूसरा कोई रिबेट प्राइस उसके ऊपर ऑफर है? अभी तो इसके ऊपर इसके जो प्राइस थे वो 1,65,00,000 का था, लेकिन वो इंट्रोडक्टरी प्राइस 1,50,00,000 में इस टाइम है। जहां तक आपने सवाल किया कि प्राइस लॉक का, जो प्राइस लॉक हो जाएगा अगर आप 100% पेमेंट के साथ करेंगे तो प्राइस लॉक मिलेगी, प्राइस लॉक मिलेगी, मतलब अगर ये इन फ्यूचर अगर प्राइस बढ़ती है ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम तो उसका इफेक्ट जो कंज्यूमर पे नहीं होगा। सो ओके ओके ओके, एंड सेम केस और जो एसी जो आपकी प्रोडक्ट है LO7 उसका भी जरा इनवॉइस बता दें। उसकी इनवॉइस जोन से 1,40,00,000 है, ठीक है, और वैसे उसके ये भी इंट्रोडक्टरी प्राइस है, इसमें भी समझ लेंगे 15 लाख का कंपनी की तरफ से डाउन किए हुए हैं और इसके भी वही कंडीशंस हैं, यानी सिंपली उसी तरह ही कि आप 100% पेमेंट के साथ LO7 भी बुक करवा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल लोगों को बहुत ज्यादा मतलब लोग सोचते हैं और जो मेरा भी और सबका सवाल होता है कि जो चार्जिंग टाइम SO7 का है और जो रेंज है चार्जिंग की ओवरऑल वो कितनी है SO7 की और LO7 की? जी मैं ये वन चार्ज जोन सा है, सिंगल चार्ज जोन सा है, अगर आप कमर्शियल चार्जर से करवाते हैं तो 1 घंटा 35 से 40 मिनट के अंदर ये 100% चार्जिंग कर देती है। तो SO7 जोन सी है 485 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है, और उसके अलावा बाकी हमने इसको बकायदा रोड पे टेस्टिंग किया हुआ है, हमारी कंपनी ने टेस्टिंग करने के बाद इसको लॉन्च किया। सेकंडली आई थी जब LO7 के ऊपर आते हैं तो वो भी उसकी भी चार्जिंग कमर्शियल में यही है, लेकिन वो 540 किलोमीटर कवर करती है। और उसके अलावा इसके साथ हम इंट्रोडक्टरी तौर पे यानी साथ ही कंप्लीमेंट्री तौर पे दे रहे हैं चार्जर, वॉल माउंट चार्जर दे रहे हैं जो कि 6 से 7 घंटे में 100% चार्ज में चार्ज कर रहे हैं। अगर आप घर में सोलर लगा हुआ तो बिल्कुल सीरो कॉस्ट आपकी आएगी, और अगर घर के उस पे है तो इसके ऊपर ये सिंगल सिंगल फेस के ऊपर ये इंप्लीमेंट होता है 7 किलोवाट का इसका चार्जर है, और ये जो सा है विद इन 6 से 7 आवर में इसको 100% चार्ज कर देता है दोनों गाड़ियों को। माइलेज दोनों की आपको मैंने बता दी है कि वो 485 करती है, वो 540 करती है। अच्छा, जो SO7 में बैटरी पैक कितने किलोवाट का जो है? 66.8 किलोवाट की बैटरीज हैं इसकी, ठीक है, और CATL कंपनी की है जो कि ग्लोबली 38% मार्केट का कैप्चर किया हुआ है, जो कि मर्सिडीज, BMW, वॉल्सवैगन जैसी बड़ी कंपनीज को प्रोवाइड कर रही है। उसी तरह उसके साथ ये जॉइंट वेंचर है हमारा चिंगान साथ हैवल और CATL, हैवल का जो हवावे, सॉरी हैवल कह रहा हूँ, हवावे, हवावे का जो सा है वो क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर है हार्मनी iOS, तो वो यूटिलाइज हो रहा है। और सेम 66.6 किलोवाट LO7 में, दोनों में सेम एक ही। सो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर का फर्क है, जस्ट बिकॉज जो एरोडायनामिक्स होते हैं जो बॉडी स्ट्रक्चर उस वजह से एग्जैक्टली वेट भी, गाड़ी का वेट का भी डिफरेंस आ गया। So guys, this is all the review. मैंने कोशिश की कि रिव्यू में सारे पॉइंट्स को कवर करूँ, चाहे कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो पूछे जाते हैं, जो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट होती है। साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो में मैं इनका नंबर भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिससे मजीद आप जो मालूम आते हैं तीनों फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स की आप इनसे ले सकते हैं। सो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट समय में, तब तक अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, तब तक भी अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।